गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम भाग के सवालों की रिवीजन करेंगे। भाग कीजिए, नीचे दी गई संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। केवल आपको भागफल ज्ञात करना है इसमें से, ठीक है सेकंड क्लास? केवल आपको भागफल ज्ञात करना है। अब देखो, आप मैंने आपको एक भाग बना के एक चीज रेगुलर बताती हूं कि जिससे भाग किया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं, ठीक है? और जिसको भाग किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेषफल। ये आपको याद होना चाहिए, भाजक भाज्य भागफल, भाजक भाज्य भागफल और शेषफल। अब आगे देखिए बेटा जी, पहला सवाल है 3 को 21 से करना है, सवाल नंबर में नहीं लिख रही हूं। दूसरा आप देखें 4 को 28 से करना है। तीसरा सवाल आप देखें 5 को 35 से करना है। बोर्ड पर देखें सभी, 5 को 35 से करना है। उसके बाद बेटा 6 को 42 से करना है। आज ये पेज नंबर अपना कंप्लीट हो जाएगा, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, ठीक है? 6 को 42 से करना है बेटा। उसके बाद आप देखें 2 को 14 से करना है, ठीक है? फिर है 16 को 5 से भाग करना है, 21 को 7 से भाग करना है, 5 को 25 से भाग करना है। अब आप देखें, सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पर, हमें क्या निकालना है? भागफल, जो यहाँ आंसर आता है वो निकालना है। अब आप देखें 3 के बाद में 21 किस नंबर पे आता है? 3 7 21 7 नंबर पे आता है, 3 7 21। तो आप क्या लिखोगे? भागफल बराबर कितना है बेटा? 7। भागफल बराबर है 7। आप 4 के पाड़े में 28 कितने नंबर पे आता है? 4 7 28, 4 7 28, ठीक है? फिर आप क्या लिखोगे? भागफल बराबर है 7। इसका भी बेटा 7 आया भागफल। ध्यान से देखें सभी। अगला सवाल देखें, 35 को 5 से भाग करना है, 5 7 35, 5 7 35 आता है ना, 5 के बाद में 35 7 नंबर थे। अब लिखो भागफल बराबर है 7। भागफल बराबर कितना आया बेटा? 7। अब आप देखो 6 के बाद में 42 कितना आता है? 6 7 भी 42 होता है, 6 7 42, 6 7 कितना होता है बेटा? 42। 6 5 3 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42 7 नंबर पे, ठीक है? तो इसका भी भागफल क्या आया बेटा? 7। भागफल बराबर है 7, ठीक है? अब 2 के बाद में 14 किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है? अब आप लिखो भागफल बराबर है, भागफल बराबर है 7। भागफल बराबर कितना है? 7। अब 15 को 5 से भाग करना है, 5 के पाड़े में 15 कितने नंबर पे आता है? 5 5 5 2 10, 5 3 15, 3 नंबर पे आता है ना बेटा?
आती है 15। तो भागफल कितना है बेटा? भागफल बराबर है 3। भागफल कितना आया? 3। 7 के बाड़े में 21 कितने नंबर पे आता है? 7 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 3 नंबर पर। तो इसका भागफल भी क्या आया? 3। भागफल बराबर है 3। भागफल कितना हो गया बेटा? 3। ध्यान से देखें सभी। उसके बाद आप देखें 5 × 25। 5 के बारे में 25 किस नंबर पे आता है? 5 × 25, 5 × 25, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? भागफल बराबर है 5। भागफल बराबर कितना है? 5। इसमें आप सबका भागफल आपने ज्ञात कर लिया। आपसे प्रश्न भी है ये नीचे दी गई संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। अगला जो है उसमें आपसे पूछा जाएगा संख्याओं, दी गई संख्याओं का भागफल, इसमें भी आपको भागफल निकालना है, ठीक है। और इसके बाद है आपका संख्याओं का भागफल तथा शेषफल, दोनों आपको निकालना है। तो बहुत सारी भाग है, भाग के सवाल है। अब हम इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप भी घर पर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस किया करो। जो मैम समझाती हैं एक बार आप इसको खुद भी देखने की कोशिश किया करो, खुद भी रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस किया करो। थैंक यू बेटा।